और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की बांदा राजकीय अस्पताल में मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और पल पल का अपडेट आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। पहले मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुबह 8 बजे से ये पोस्टमार्टम शुरू होगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान मुख्तार का परिवार वहीं मौजूद रहेगा। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उन्हें उनके पैतृक कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। बड़ी बात यह है कि जैसे ये खबर आई उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम होना है। कल अचानक खबर आई कि मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद उनके मौत की खबर सामने आई। एक वो भी तस्वीर थी जिसमें अस्पताल के बाहर मुख्तार अंसारी का सिर्फ हाथ झटका हुआ दिखा था और इससे इस बात की पुष्टि हुई कि मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। फिलहाल ये आपके सामने 12 बड़ी तस्वीरें और ये 12 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं आप, जिसमें देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े पैमाने पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किसी तरीके से कोई भी हालात खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मऊ और गाजीपुर, ये दो तस्वीरें बहुत अहम हैं। एक राजनीतिक तौर पर मुख्तार अंसारी का गढ़ और दूसरा मुख्तार अंसारी का घर यानी कि गाजीपुर। ये दो बड़ी तस्वीर जो सबसे पहले नंबर और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पर आज दिन भर आपको हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि कल जब खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर के बाहर बड़े पैमाने पर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था और आज दिन भर पुलिस प्रशासन हर जगह पर मुस्तैदी दिखा रही है। और इसके अलावा प्रयागराज, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, कासगंज, आजमगढ़ और अयोध्या की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है।